हे एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का बी सेक्शन का लेक्चर नंबर 2 और ओवरऑल देखे तो लेक्चर नंबर 6, ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, क्या देखा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और हाउ दी व्हेन वी फार वी गो फार थ्रू दी सोर्स चार्ज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज। ओके, तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि भाई हमने सिर्फ एक चार्ज से क्या था, पर अगर ग्रुप ऑफ चार्ज आ जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसके बाद आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है और क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस पहला तो हम ये चीज चेक करेंगे, दूसरा हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, और तीसरा हम चेक करेंगे कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, आज हम ये सब चीजें चेक करने वाले हैं, तो करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने एक रिजल्ट लिखा था, क्या लेक्चर रिजल्ट लिखा था कि भाई E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नोट, F जो फोर्स लग रहा है, क्यू नोट जिस पे फोर्स लगता है, मतलब टेस्ट चार्ज पे। इज इट क्लियर? ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो बच्चा मैंने आपको फर्स्ट ए में बताया था कि जब मैं बात करूंगा ग्रुप ऑफ चार्जेस की, मतलब दो से ज्यादा चार्जेस की, तो हम क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और वो क्या था, वो था कि भाई हम ना बारी बारी सबका कैलकुलेट कर देते, भाई ए का है, बी का है, सी का, डी का, सबका कैलकुलेट करके उनका क्या कर देते, वेक्टर सम निकाल देते थे, जिससे हम क्या कैलकुलेट कर देते कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दैट सोर्स चार्ज ड्यू टू ए लॉट ऑफ टेस्ट चार्जेस। तो देखिएगा, मान लेते हैं ये अपना सोर्स चार्ज है, इसका नाम है क्यू। ओके, और ये अपने टिनी चार्जेस है, टेस्ट चार्ज, जैसे ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, और ऐसे करके हमें क्या लेते हैं, QN हो गया। यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, तो देखिएगा, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, क्या कह रहा है कि हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। भाई कैसे, किसका वेक्टर सम कर देंगे, इंडिविजुअल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके। मान लेते हैं इसकी वजह से, Q1 की वजह से हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी आते हैं E1, इसकी वजह से हमारे पास आते हैं E2, इसकी वजह से क्या आएगी E3, और इसकी वजह से क्या आएगी, कहा गया ये, यहां गया Qn, तो En। तो हम कहेंगे कि भाई जो नेट अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सोर्स चार्ज का, फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो क्या होगी भाई E1 की वजह से कितनी है, प्लस E2 की वजह से कितनी है, और ऐसे चल चलते कि भाई आखिर का जो लास्ट है En की वजह से क्या है, उनका क्या कर देंगे हम, वेक्टर सम कर देंगे, उनका क्या कर देंगे, वेक्टर सम
कर देंगे। तो भाई आपको मैंने इवन कैलकुलेट करनी सिखा रखी है, तो आप पिछली वीडियो की तरह से इवन कैलकुलेट करो, ई टू करो और उसके बाद ई एन करो, उसके बाद उसका समेशन यूज करके इसको आगे कंटिन्यू करके फिनिश करो। ये आपका होमवर्क समझ लो, डन डन डन। ओके, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। भाई करना, और अगर ना हो तो स्कूल में बता देना, वो लोग मुझे बता देंगे, मैं दोबारा से करवा दूंगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, या कमेंट कर देना स्कूल में ना बता दो, मैं यहां से करवा दूंगा, पर पहले आप खुद करना। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या होती है भाई, सोचो। सोच लिया क्या? सोचा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सोच लिया? चलो सही सोच है, मैं लिख देता हूं, तुमने सोचा है। देखिएगा, आपने ये तो सोचा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस हैं जो किसी भी चार्ज से निकलती है, ठीक है। ये स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व तिरछी घुमावदार भी हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि ये कैसी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, भाई ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। पता कैसे चलेगा? पर जब हम इनके ऊपर टेंजेंट खींचे, टेंजेंट सुना है ना क्या होता है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, बिल्कुल छू के, मतलब ये सर्कल है, इसको बिल्कुल छू के तो जाने वाली है, ये तो नहीं गई हुई, ये सर्कल है और इसको छू, और ये भी नहीं गई छू के, ये सर्कल है और ये इसको बिल्कुल छू के गई। तो वो रेखा वो लाइन जो इस सर्कल को छू के गई है, वो इस सर्कल की क्या होगी, टेंजेंट हो गया, स्पर्श रेखा हो गई। तो हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो सकती है भाई, स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, और जो टेंजेंट खींचे, क्या खींचे, टेंजेंट खींचे तो हम ये डायरेक्शन देगी, इस डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन दे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दे, किसकी डायरेक्शन दे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दे। लिखा, समझ में आई बात? तो अब इन सब चीजों को इकट्ठा करके डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज लाइंस, आर दोज लाइंस, कौन सी लाइंस, विच में बी लाइंस, विच में बी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दो लाइंस विच में बी, या विच आएगा कुछ और आएगा, दो लाइंस हटाओ इसको, मे बी सीधा हटाओ, मे बी स्ट्रेट, स्ट्रेट और कर्व्ड, कर्व्ड व्हेन ड्रॉ, व्हेन वी ड्रॉ टेंजेंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन इट, क्या लिख दिया, पॉइंट ऑन इट, दे गिव्स, दे गिव्स, दे गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट लिखा, वही तो बात कही है मैंने, कहा कि भाई ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ये कर भी हो सकते हैं, बट एस टी आर आई जी एस टी, एस टी स्पेलिंग देखना भाई इसकी, स्ट्रेट की आर ए आई, एस टी आर ए, एस टी आर ए आई जी एच टी, स्ट्रेट, जो कैसे होती है स्ट्रेट भी हो सकती है और कैसे हो सकती है कर भी हो सकती है, बट हम जब इन पे क्या खींचे टेंजेंट खींचे, ये हमने टेंजेंट खींच दिया तो ये किसकी डायरेक्शन दे उस पॉइंट पे, किसकी डायरेक्शन दे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, अगर मैं इस पॉइंट पे जा मैं अगर यहां पे खींचता हूं तो यहां पे किसकी दे इधर की डायरेक्शन दे दे, तो जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचे ना उसी पॉइंट पे क्या दे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दे, डायरेक्शन दे, नोट करो इसको बराबर, जल्दी करो भाई स्क्रीनशॉट ले लो यार, डन डन, चलो देखिए, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स होती क्या है, और प्रॉपर्टी तो पक्का 2 से 4 नंबर के बीच में पक्का पूछता है कि भाई प्रॉपर्टी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, तो तुम बता देना। ओके तो देखो बताओ प्रॉपर्टी में, देखो भाई पहली प्रॉपर्टी क्या है कि भाई ये जो स्टार्ट होती है ना, ये स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से, किससे स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म कहां होती है नेगेटिव चार्ज पे, कहां खत्म होती है नेगेटिव चार्ज पे, इस पे आके खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, ये स्टार्ट कहां होती है, कहां से चलना स्टार्ट करती है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है चलना, और नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाती है खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, पहला लिखा, पहला स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, बेटा पहले समझ में आया। दूसरा देखो भाई, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई नेगेटिव पे खत्म हो गई, तो डायरेक्शन क्यों हुई पॉजिटिव टू नेगेटिव, लिखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, लिखा। तीसरा लिखो, दीज आर कॉन्टिन्यूअस लाइंस, स्क्रीनशॉट में लिखो बराबर, दीज आर कॉन्टिन्यूअस लाइंस। अब इस कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है वो देख लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है अगर ये पॉजिटिव से चली तो ऐसे चलती जाएगी, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे थी फिर यहां गायब हो गई, यहां ऐसे नहीं, ऐसे लगातार चलती जाएगी, और कब तक चलती जाएगी जब तक इनको नेगेटिव चार्ज नहीं मिलता, यानी कि अप टू इनफिनिटी अगर कहीं रास्ते में मिल गए ना नेगेटिव चार्ज तो वहां पे खत्म हो जाएगी, अदरवाइज चलती ही जाएगी, लिखा। चौथा, दे डू नॉट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस तो है बट डोंट फॉर्म एनी टाइप ऑफ लूप,
they don't form loop। अब इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। देखो चल, लूप का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये यहां से चली और फिर ये कंप्लीट यहां पे आ जाए, घूम फिर के कंप्लीट पाथ कर ले, ठीक है ना। पर ये ऐसा तो होता नहीं, ये तो ठीक है, तो ये तो होगा मतलब नॉट मेक लूप, यही को ऐसे समझ लेते हैं। देखो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ पोल से चलती है और साउथ पोल पे खत्म होती है, और कहां पे साउथ पोल पे खत्म होती है। आप तो कहोगे सर जी वापिस तो आई जड़ी भाई आ रही है, देखो इसके अंदर चलती है ऐसे बाहर चलती है ऐसे, इसके अंदर कैसे चलती है ऐसे, तो देखो कंप्लीट लूप बन गए ना। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना वो लूप बनाती है, पर हमारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना वो लूप नहीं बनाती है। ओके चलो ठीक है भाई। फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थोड़ा ध्यान समझना, और प्रॉपर्टी में कई बार पूछते हैं तो 70% क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे पूछते हैं। और क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन होता है ये कि भाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर क्वेश्चन, और क्वेश्चन में यही दे देगा कि भाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन में क्या लिखोगे भाई, क्यों नहीं काटती है ये पूछना चाह रहा है, तो क्या बताओगे बता दो, डेफिनेशन क्या थी कि भाई ये स्ट्रेट भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व भी हो सकती है, यहां तक ठीक है, और जब हम इन पे टेंजेंट खींचते हैं ना तो किसकी डायरेक्शन देती है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देती है। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, हमने क्या खींच दिया टेंजेंट खींच दिया। अगर मान लेते हैं कि भाई दो डायरेक्शन देती है मान लेते हैं, तो मतलब हम एक और टेंजेंट खींचेंगे, क्या ये टेंजेंट है, नहीं है। ओके okay, और मान ले अगर हम कोई दो टेंजेंट खींच दे, एक्चुअल में तो इम्पोसिबल है कि एक पॉइंट पे अलग अलग दो टेंजेंट खींचना, क्लियर। और अगर अलग अलग टेंजेंट खींच भी दे तो क्या उनकी डायरेक्शन सेम आएगी, नहीं आएगी, यानी कि मतलब ये हो गया कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन, दैट इज इम्पोसिबल। तो इसका क्या मतलब है, जब इम्पोसिबल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्लियर। तो एक्सप्लेन आंसर लिखो इसका, इफ अगर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, हम पीछे स्टार्ट कर लिया भाई, इंटरसेक्ट कर दी, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को तो इसका मतलब क्या है, इट मींस इसका मतलब क्या है, फील्ड लाइंस इट मींस टेंजेंट, या इट मींस देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है,
कि इंटरसेक्ट अगर कर गई दो, क्या दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट अगर कर गई तो इसका मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पे क्या हो गई, दो डायरेक्शन, ठीक है ना। देखिए भाई ये एक लाइन है और मान लेते एक लाइन ये है, तो ये इनका क्या हुआ, कॉमन पॉइंट हुआ। हुआ इसके अकॉर्डिंग क्या टेंजेंट, इसके अकॉर्डिंग ये टेंजेंट, इसके अकॉर्डिंग क्या टेंजेंट, इसके अकॉर्डिंग ये टेंजेंट। तो अलग अलग टेंजेंट आ गए ना। पहला वाला कंसेप्ट हमने एक ही लाइन करा था, अब हमने पढ़ा दो लाइन्स के ऊपर, ठीक है ना। तो दो लाइन हो गई पर ये कॉमन पॉइंट पे हमारे दो टेंजेंट खींच गए, कितने दो टेंजेंट। और टेंजेंट क्या करता है, डायरेक्शन देता है, किसकी डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देता है, ठीक है भाई। अगर दोनों के दोनों डायरेक्शन देते हो इस पॉइंट पे, एक डायरेक्शन ये हो गई एक डायरेक्शन ये हो गई, दो डायरेक्शन हो गई जो कि इम्पॉसिबल है। एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या आएगी, ए, या तो लाइन इधर जाएगी या उधर जाएगी, ओके। तो इसलिए हम कहते हैं अगर फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब है कि वहां पे दो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और अगर दो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो इसका मतलब क्या है, ये तो इम्पोसिबल है, दैट इज इम्पोसिबल, दैट इज इम्पोसिबल। दैट इज इम्पोसिबल, ठीक है। इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इट मीन्स देर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, और विच इज इम्पॉसिबल है, दैट इज इम्पॉसिबल, ये यहां पे लिखो, ठीक है ना, ओके। प्रॉपर्टी नंबर फाइव इसको लिखो बराबर भाई, पहले प्रॉपर्टी नंबर फाइव, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखो भाई, देखो टू या टू नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर या ऑलवेज नॉर्मल, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ, टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास कोई कंडक्टर है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि बिल्कुल 90 एंगल, बिल्कुल 90 एंगल, बिल्कुल 90 एंगल ही बनाएगी, ये ऐसी भी हो सकती है और ये ऐसी भी हो सकती है, ठीक है ना, कैसे भी कर लो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर, क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, लिखा। अगला लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली ड्यू टू, लिखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली, लॉन्गिट्यूडिनली टीयूडी एनएलवाई, लॉन्गिट्यूडिनली
ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखो फटाफट, मैं लॉन्गिट्यूडनल स्पेलिंग चेक करता हूं एक बार। PUTTINALLY ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कॉन्टेक्ट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा क्या होगा, तो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे पे प्रेशर लगाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जर्ट प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जर्ट प्रेशर ऑन द अकाउंट या ड्यू टू इफ If the charge are repulsive, या if the force is repulsive, if the force is repulsive, repulsive. ओके लिखो, इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, अगर ये फील्ड लाइन्स है ठीक है, और ये भी पॉजिटिव लाइक लाइक करेगा, तो इसका फील्ड और इसका फील्ड, तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी। और इसकी भी ऐसे चली जाएगी, नहीं तो लाइन कटेगी नहीं। तो इनके बीच में क्या होगा, एक प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पैरेलल और स्ट्रेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड स्ट्रेट व्हेन फील्ड इज यूनिफॉर्म, फील्ड इज यूनिफॉर्म व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, हो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, लिखा ठीक है। लिखा, अब एक चीज और देखो भाई, ये आपका चार्ज है, तो इसके चारों ओर इतना, तो यहां पर जो फील्ड है वो ज्यादा है और यहां पे फील्ड है वो कम है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जैसे हम जो दूर जाते हैं तो जो एरिया कवर हो जाता है ना, वो इनका भी कम हो जाता है। कि भाई यहां पे तो ये पास पास थी, जैसे जैसे हम दूर गए तो इनके बीच में दूर हो गए, तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई। डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जब पास थे तो ज्यादा डेंसिटी थी, तो दूर गए तो कम डेंसिटी हो गई। ओके और देखो,
चलो ये ठीक है, शायद इसमें मैक्सिमम तो हो चुकी है, और अगर होगी तो चलो ये डन है। तो ठीक है, आज हमने क्या पढ़ लिया? आज हमने पढ़ा ग्रुप ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में हम देखते हैं कि भाई डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और इसके अलावा जो भी मतलब आगे कंसेप्ट हम देख लेंगे। हाँ पर याद रखना, जो ये प्रॉपर्टीज है ना, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, और जो इंटरसेक्ट वाला जो मैंने बताया कि नेवर बी इंटरसेक्ट टू फील्ड लाइन, वहां से क्वेश्चन तो 99% आता ही है। तो ठीक है, आराम से पढ़ो, नोट्स बनाओ, साफ नोट्स बनाओ और पढ़ो, और अपने घर रहो। थैंक यू, बाय।